हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज के मेरे ब्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ ढाकपो मोनेस्ट्री, जो कि सिचुएटेड है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के काइस में। ये डेस्टिनेशन रोड अप्रोचेबल है और कभी भी आप कुल्लू घूमने आए तो इस डेस्टिनेशन को आप जरूर विजिट कर सकते हैं। और अब हम चलेंगे मोनेस्ट्री के अंदर और आप सब देखेंगे कि मोनेस्ट्री अंदर से कैसी दिखती है। अब जैसे ही अंदर जाएंगे आपको दिखेंगे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क। इन मॉन्क्स को बुद्धिस्ट लैंग्वेज में लामा कहा जाता है। हमें यहाँ पे दिखे नन्हे से बुद्धिस्ट मॉन्क जो बॉल के साथ खेल रहे थे। कुछ सीढ़ियां चढ़ते हुए आप सीधे एंटर करेंगे मोनेस्ट्री के भीतर और सामने आपको दिखेगी एक बहुत सी बड़ी मोनेस्ट्री। यहाँ से आप मोनेस्ट्री के चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं। बहुत से टूरिस्ट इस मोनेस्ट्री को डेली विजिट करते हैं और इस सुंदर से व्यू को एंजॉय करते हैं। आप भी जब कभी इस मोनेस्ट्री में आएंगे तो आपको भी काफी सुकून और शांति मिलेगी यहाँ आके। अब हम चलेंगे इस मोनेस्ट्री के अंदर। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी इतनी बड़ी बेल देखी है? बट इसे हिट नहीं कर सकते हम, आप देख सकते हैं। मोनेस्ट्री की दीवारों में सुंदर सी बुद्धिस्ट पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। यहाँ पे आप एक दूसरी बेल देख सकते हैं, बट इसे भी बजाना मना है। ये सारी पेंटिंग्स बौद्ध धर्म के बारे में दर्शाती है। और अब हम जाएंगे इस पर्दे के नीचे से अंदर। जैसे ही आप अंदर जाते हैं आपको लगेगा कि आप अलग से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गए हैं और सामने आपको बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा की तस्वीर दिखाई देगी और उससे पीछे महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति दिखेगी आपको, जिसे पूजा जाता है। स्थान को भी बौद्ध धर्म में पूजा जाता है। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय दोस्तों।